आज के टाइम में आप इंटरनेट जो होता है लाइक कंप्यूटर्स जो होता है वो देश के कोण अनुकोण में इंटरनेट कनेक्शन आज है, जो कि ऐसा ऑनलाइन में ऐसा इतने अच्छे अच्छे मटेरियल अवेलेबल हैं जो कि आपको दिल्ली आने की जो ज़रूरत होती थी एक ज़माने में वो चीज़ बहुत ज़ोर से आज के ज़माने में घट गया है. लाइक फॉर एग्जांपल पहले लोग बोलते थे कि दिल्ली इसलिए नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी ग्रुप्स बनाने होते हैं, पर आजकल स्टडी ग्रुप्स व्हाट्सएप पर भी बन सकते हैं और आप भुवनेश्वर में रह के कोई गुजरात में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई साउथ इंडिया में है, उसके साथ भी स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप पे बना सकते हो. आप आंसर्स लिखकर उसमें अपलोड कर सकते हो और वो आंसर्स वो वहाँ से चेक करके वेरीफाई करके आपको बोल सकता है. और ऑनलाइन आप जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं सबके मटेरियल भी आज के ज़माने में ऑनलाइन अवेलेबल हैं. और जो ओपन सोर्स लर्निंग है लाइक फॉर एग्जांपल हर इंस्टीट्यूट का इनसाइट्स हो, वो अन अकेडमी हो, वो IAS बाबा हो या जो भी साइट्स हैं वो भी आजकल ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है. तो जैसे मैंने सेकेंड ईयर का प्रिपरेशन मैन आई वॉज वर्किंग इन अ रूरल PHC, वो देश के हिंटरलैंड में है, वो गाँव में था, पर वहाँ पर भी अगर आपके पास मोबाइल कनेक्शन और एक लैपटॉप हो तो आप भी वहाँ से भी रहकर प्रिपेयर कर सकते हो. तो डेफिनेटली ऑनलाइन मटेरियल बहुत आज के ज़माने में इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी. पर हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऑनलाइन में आप ऑनलाइन टाइम को फ्रूटफुली यूज़ करो, ना कि बहुत सारे जो चीज़ अभी रिक्वायर्ड नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा कि रिक्वायर्ड नहीं है, पर जो अभी रिक्वायर्ड नहीं है प्रिपरेशन टाइम पे, उन सब चीज़ों को थोड़ा कम डिवोट करना इज़ एसेंशियल. लाइक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में, अब मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया से आप पूरा हट जाओ, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन सब चीज़ों से हट जाओ, बट आपको वहाँ का टाइम जो है वो आप जुडिशियसली स्पेंड करना वो एडवाइजेबल है. वरना ऑनलाइन आजकल साइन को नन हो गया. अगर आप दिल्ली के अलावा कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पर कोचिंग अवेलेबल नहीं है, मैंने भुवनेश्वर से प्रिपेयर किया है जहाँ पर कोचिंग इतना अच्छे से अवेलेबल नहीं है, तो फॉर मी द ऑनलाइन मीडियम वॉज इंडिस्पेंसिबल. मेरे लिए तो वो अनिवार्य ही था, आप उस तरह बोल सकते हो, और जो कि होना भी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा अपडेटेड रहता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मीडियम ऑफ करंट अफेयर्स और जो भी सोर्सेज हैं. तो ऑनलाइन हमको ऑनलाइन मीडियम को कैसे यूज़ करना चाहिए, उसकी तो डेफिनेट स्ट्रैटेजी सबको अपने अपने लिए बनानी चाहिए.